चेरी और मैरी को शौर्य सेंटर के घर पे रखा था। तो आज हम इसे एक शेल्टर होम में छोड़ना है क्योंकि मैरी की डेथ हो गई, चेरी की डेथ हो गई, मैरी में बच्ची हुई है। तो आज हम वहीं पर अपने गए हैं और बच्ची को वहाँ पे शेल्टर होम में रखने के लिए आए हैं। नितिन भैया का शेल्टर होम है, गौशाला है, भैया ने बना रखी है। संग भैया छोटे एनिमल्स भी रख लेते हैं साथ ही, तो भैया को और ये बहुत बड़ी हेल्प की कि इसलिए इसका नाम मैरी है भैया ने रखा है। मैरी को भैया रखने के लिए रेडी हो गए हैं। और साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि मैरी के साथ मेरे जैसे ही छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं, तो बस मैरी को सेपरेशन एंग्जाइटी थी वो भी नहीं होगी और मैरी अपने जैसे बच्चों के पास रह पाएगी। इसके साथ ही आप भैया का इंट्रोडक्शन ले लीजिए, भैया की शेल्टर गौशाला को दिखा दीजिए। बेसिकली श्री गोपाल जी सेवा धाम है, हम लोग ईस्ट दिल्ली में सिचुएटेड हैं, अपोजिट मयूर विहार मेट्रो स्टेशन। तो जितने भी एक्सीडेंटल काउस और बुल्स वगैरह होते हैं उनको हम लोग रेस्क्यू करते हैं रोड से, कुछ 100 नंबर की जितनी भी गायें हैं बीमार हैं, बेसिकली इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं और जब तक ये रिकवर नहीं हो जाती, अगर कोई मांगने आता है तो हम उसको दे देते हैं, अगर उसको बोलता है नहीं होता तो फिर हम उसको अपने पास ही रखते हैं। इसके पेट में जो है लोहे की रोड चली गई थी जिसके कारण पूरा इन्फेक्टेड था और ये गाय प्रेग्नेंट भी थी, बहुत मैगेट्स थे, तो हम लोगों ने इसको रेस्क्यू किया, अब तो पूरा कवर अप हो गया है। ये बच्चे भी इसी के हैं क्या? नहीं, ये बच्चे इसके नहीं है, ये बच्चे इसके हैं। ये एक काव है, बेसिकली काफ़ी दिन हो गया, बहुत ट्रीटमेंट करा लिया हमने, लेकिन इसका जो बैक साइड है इसकी वेजाइना अभी मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, मैं आपको दिखाऊँ। इसकी वेजाइना और इसका बैक वाला पोर्शन बिल्कुल सड़ चुका है, इसका ट्रीटमेंट बेसिकली लगातार चल रहा है, 20 से 25 दिन हो गए हैं। इसकी छोटी बेटी है, ये वाली जो रेड वाली है वो इसी की बेटी है, इसके साथ। और ये जो बच्चा है छोटा, ये यमुना विहार से ही हमने रेस्क्यू किया था, तो ये सब बेसिकली हमारे रेस्क्यूड है। ये गाय हम लेके आए थे, दो जो है ये खड़ी नहीं होती थी, चार चार पाँच साल की कृष्णानगर से आई थी, ये खड़ी नहीं होती थी बिल्कुल भी, उनका ट्रीटमेंट चला भी दोनों सही हो गई है, बट इन माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, तो अभी इन लोगों का ट्रीटमेंट चल ही रहा है, जो भी हम दे सकते हैं बेस्ट से बेस्ट हो जाए। मतलब ऐसा भी तो होता है ना कि गाय अगर खड़ी नहीं हो पाती तो वो फिर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती है, क्योंकि खाना नहीं पचा पाती, टाइम वो नहीं खाना अपना डाइजेस्ट कर सकती, अगर वो खड़ी नहीं होगी तो वैसे ही बेकार हो जाएगी। मतलब ऐसी गर्दन कट गई थी पूरी, जब भी उस पर जब भी इसको चला रहे थे सड़क पे, उसकी पूरी गर्दन कट चुकी थी ये बेसिकली, तो हम लोगों ने इसका पूरा ट्रीटमेंट किया और इसको हमने अपने पास जब से ही रखा हुआ, क्योंकि इसकी एजेड भी है, अब इसको कहीं ड्रॉप भी करें। जिन्होंने रखा था उनका क्या? जिन्होंने रखा था उसको तो हमने रोड पे ले लिया था। अच्छा, मतलब वो लोग हैरेसमेंट ही हो रहा था, ट्रीटमेंट नहीं कराते, हम चले जाते वो कहीं और चला लेते ताकि हम ना पकड़ पाए। ये भी ऐसे छोटा, ये देसी नंदी है हमारा, हाँ ये हमने रेस्क्यू किया था, तो इसके चारों पैर खराब थे, ये चल नहीं पाता था, अब तो इसके हाँ अब इसके पूरा हमने करा दिया है, इनको जो भी इसका ट्रीटमेंट कोर्स था उसने पूरा लगवा दी मेडिसिन, ऐसे ही है। बेसिकली हम लोग ये भी आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप भी इन गौ माताओं के लिए आगे आए, और हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ हमारी पैसे से ही मदद करें, अगर आप हमें पैसा देंगे जब भी हमें इन्हीं के लिए सामान खरीदना है, आप खुद सामान लाइए, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगा उसमें हम ले आएंगे, तो हमें भी वही लेना, उसमें भी आपको ज़्यादा संतुष्टि रहेगी। तो इसलिए जैसे कि अभी डोनेशन में हम लोगों के भूसा वगैरह ये सब हमें डोनेट ही किया गया है, तो हम उन्हीं को बोल देते हैं कि आप लोग हमें डोनेट कर दीजिए, तो पैसे से अच्छा है कि आप अगर हमें सामान ही डोनेट करेंगे, एट लास्ट हमें वही लेके आना है, तो उसमें हमें ज़्यादा खुशी होगी और आपको भी संतुष्टि होगी कहीं ना कहीं। देखिए, और हमने अपनी तरफ से छोटा सा जितना भैया के लिए करना चाहा, हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी भैया के लिए हेल्प करें, क्योंकि इतने धर्म कर्म का काम भैया कर रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भैया के लिए कुछ करें। देखिए, हम सब इतने बिजी शेड्यूल में रहते हैं कि हम आसपास में इतना कुछ कर नहीं पाते, बट अगर आपको लगता है कि कोई गाय है, कोई पुल है, जिस पे कोई भी एनिमल जिस पे डिस्पेक्ट हो रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन का लिंक है, आप भैया से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, भैया की अपनी एम्बुलेंस भी है, अगर आपको कोई गाय दिखती है जिसके कुछ मिस ट्रीटमेंट हो रहा है तो आप भैया को नंबर बढ़ा दोगे, भैया अपनी एम्बुलेंस भेज देंगे, आप ये काम कर सकते हैं। और इसमें सबसे आप देखिए, आप किसी के पास टाइम इतना नहीं होता है कि वो धर्म कर्म का काम करने के लिए बाहर है,
तो अगर आप थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन भैया के लिए करना चाहे चार ही रुपए, ये नहीं आपको लगे कि आप बीच में पैसे मिसलीड हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे आके देखेंगे कि देखिए भैया ने कितनी सारी गायों का इलाज किया है। हमसे जितना बन सका उतना हमने भैया की हेल्प करने की पूरी कोशिश की है। बाकी आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, कि प्लीज़ आप भैया से कांटेक्ट करें। अगर आपके नियर बाय कुछ भी दिक्कत होती है किसी भी जानवर को, तो एक बार प्लीज़ दिल्ली NCR में जो भी लोग रहते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो कांटेक्ट करें। भैया के पास एम्बुलेंस है, आपके डोर तक आके सारी सुविधा उस जानवर को मिल जाएगी।